नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं राजीव राय और आज शाम 5 बज चुके हैं और एक बार फिर हम आपके साथ हैं आपके पसंदीदा शो के साथ, क्योंकि जो आप जानना चाहते हैं वही देश जानना चाहता है। देश जानना चाहता है कि हिंदुस्तान से ड्रैगन क्यों डर गया है। जो ड्रैगन पहले बात बात पर फुफकारता रहता था, आज क्यों उस ड्रैगन के पसीने छूट रहे हैं, क्यों चतुर चीन की चालाकी पस्त होती दिख रही है। जी हां, भारत ने फैसला किया है। फैसला क्या किया है कि वो अरुणाचल के इस छोर से उस छोर तक 1800 किलोमीटर लंबी सड़क बनाएगा। चीन चाहे लाख चीखे, भारत यह सड़क बनाकर रहेगा। भारत के इस फैसले से चीन बौखला सा गया है। देश जानना चाहता है चीन में किस बात की चीख पुकार मची है। देश जानना चाहता है क्या देखकर जिनपिंग के छूट गए पसीने। देश जानना चाहता है भारत की किस सड़क से ड्रैगन को टेंशन है। देश जानना चाहता है किस खतरे से सदमे में आ गया है ड्रैगन। देश जानना चाहता है क्या है 1800 किलोमीटर लंबे खौफ का राज। देश जानना चाहता है किसके करीब आने से डरने लगा है ड्रैगन। जी हां, तो चीन के इस डर की वजह क्या है, इसके पीछे की तह में जाकर ये जानने की कोशिश करेंगे हम। और सवाल यही है कि चीन में आखिर किस बात पर चीख पुकार मची है, यही सवाल है आज देश के जहन में। देश यही जानना चाहता है कि आखिर ये जो विकासवादी परियोजना है हिंदुस्तान की, आखिर इस परियोजना को लेकर चीन में किस बात की चीख पुकार मची है। तो असम के तेजपुर से अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक भारत ने 44,000 करोड़ की लागत से 1800 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने का एक फैसला किया है। चीन को पता है कि ये सड़क भारत के लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है, क्योंकि अरुणाचल में सड़कें खस्ता हाल होने की वजह से सेना के वाहनों को तवांग तक जाने में तमाम तरह की दिक्कतें आती थीं। ये सड़क बन जाएगी तो अरुणाचल के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नज़र होगी और चीन की कोई चाल काम नहीं आएगी। भारत का 1800 किलोमीटर लंबा ब्रह्मास्त्र चीन ने तिब्बत के जरिए भारत के करीब पहुंचने की जो चाल चली, उसका जवाब भारत ने 1800 किलोमीटर लंबे ब्रह्मास्त्र से दिया है। असम के तेजपुर से अरुणाचल के तवांग से भी आगे तक भारत ने 1800 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने का फैसला किया है। सड़क बनाने का काम शुरू भी हो गया है। 1800 किलोमीटर लंबी सड़क ने ड्रैगन को डराया। मैकमोहन लाइन के पास तक बनने जा रही इस सड़क से ड्रैगन डर गया है। ड्रैगन इस सड़क से इतना खौफ खा गया है कि उसने सड़क से शांति बिगड़ने की आशंका तक जता दी है। 40,000 करोड़ की लागत से भारत बना रहा है राजमार्ग। भारत ने 40,000 करोड़ से अधिक की लागत से जिस राजमार्ग को बनाने का फैसला किया है, वो अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में तवांग, पूर्वी केमांग, उफरी, सुबानसिरी, पश्चिमी सियांग, उफरी सियांग, दिबांग घाटी, देसाली, चागलागम, किबीटो, डोम, हवाई और विजयनगर से होकर गुजरेगा। अरुणाचल तक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की तैयारी।
चीन की वास्तविक चिंता इस सड़क से ज्यादा उस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेकर है जिसकी शुरुआत इस राजमार्ग के बनने के बाद की जाएगी। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन जाने से अरुणाचल प्रदेश में आवाजाही के साथ साथ आबादी भी बढ़ जाएगी। पूरी दुनिया अरुणाचल आने जाने लगेगी। जाहिर है चीन की चालाकी पस्त हो जाएगी। न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपको हमने ये समझाने की कोशिश की कि दरअसल क्या कुछ हो सकता है चीन के इस डर के पीछे, चीन के अंदर जो ये हलचल सी मची हुई है इस सड़क को लेकर कि ये सड़क बनी तो आखिर क्या कुछ नुकसान चीन का हो सकता है। ये सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं हम, और इसको लेकर चर्चा पर भी हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ा हुआ है इस वक्त, जिससे हम चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड अफसर करीम साहब स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। सर आपका स्वागत है। रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब डिफेंस एक्सपर्ट वो हमारे साथ जुड़े हैं, सर आपका स्वागत है। और राजेश सिरोठिया जी वरिष्ठ पत्रकार भोपाल से इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। तो सबसे पहले ये सवाल मैं अफसर करीम साहब आपसे ही जानना चाहूँगा कि इस रिपोर्ट को भी आपने देखा, इस खबर से भी आप वाकिफ हैं कि ये जो सड़क बन रही है इसको लेकर पूरा विवाद है और इसको लेकर आपत्ति दर्ज की गई है चीन की तरफ से। क्या ये माना जाए कि जिस तरह की एक मॉनिटरिंग की व्यवस्था और एक कनेक्टिविटी के जरिए वहां तक पहुंच बनाने की कोशिश हिंदुस्तान कर रहा है, कहीं ना कहीं यही एक डर है कि निगरानी की ताकत जो बढ़ रही है वो एक चिंता का विषय है चीन के लिए? देखिए, इसमें दो हिस्से हैं। एक तो चीन जो है वो अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करता है कि हमारा इलाका है, तो उसको ऑब्जेक्शन है कि आप इस इलाके में कोई डेवलपमेंट ऐसा नहीं कर सकते। उसके पीछे ये भी है कि हमारी फौजें हमारे रसद के सामान, डेवलपमेंट के सामान और तमाम आबादी जो आगे बढ़ जाएगी उससे चीन को खतरा पैदा हो गया है। लेकिन वही चीन जो कि तिब्बत से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक अपनी रोड और रेल बढ़ा रहा है, उसको इस बात पे कैसे एतराज हो सकता है कि भारत अपने इलाके में क्या कर रहा है? तो ये एक पॉलिटिकल और मिलिट्री दोनों तरीकों से वो इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट में, तो इसको चीन एक अच्छी नजर से नहीं देख सकता। एसपी सिन्हा साहब आपके पास लौटेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो हिंदुस्तान की तरफ से इस परियोजना की शुरुआत की जा रही है, क्या यह माना जाए कि यह विकास की एक परिकल्पना के साथ साथ विस्तार के तौर पर भी देखा जाए और एक कूटनीति के हिस्से के तौर पर भी देखा जाए? इसे के पन्नों से हम लोग को सीखना पड़ेगा कि भारत की दिशा कैसी होनी चाहिए। 62 वॉर की लड़ाई हम इसलिए हारे कि जो हमारा लॉजिस्टिक सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो बहुत कमज़ोर था और इसीलिए हम 62 वॉर हारे। मुझे दुख इस बात का होता है कि 62 के बाद भी देश का, अरुणाचल प्रदेश का जो विकास होना चाहिए था इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलों में वो किसी वजह से नहीं हो पाया। चलो देर आए दुरुस्त आए, अब जो जागरूकता बीजेपी के सरकार ने की है वो जागरूकता से बहुत खुश होने की बात, वासियों को खुश होना चाहिए। इसकी शुरुआत जो डर, आप चाइना के जो डर की बात कर रहे हैं, इसकी शुरुआत मुझे लगता है कि जब प्रेसिडेंट चाइना भारत आए थे शुरुआत उसी दिन से शुरू हो गया कि जब उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की बहुत मजबूत व्यक्तित्व को बहुत नज़दीकी से देखा तो यहाँ से बहुत भयभीत होके गए। फिर उन्होंने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो अकेले होते जा रहे हैं, भारत जापान से, वियतनाम से, अमेरिका से, रूस से बहुत क्लोज होता जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया से क्लोज होता जा रहा है, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट चाइना पाकिस्तान का विजिट कैंसिल कर दिए हैं। तो वो देख रहा है कि वो अकेला पड़ रहा है, तो जब पाकिस्तान अकेला पड़ रहा है और चाइना अकेला पड़ रहा है, तो जब ये डर सामने आता है तो उसने देखा कि अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, प्रेशर टैक्टिक्स डालने के लिए बॉर्डर पे इशू रेज करो, और जब बॉर्डर पे इशू रेज करने की जब बात चली तो उसने देखा कि हिंदुस्तान 62 की जो लेसन है उससे उस लेसन को अब दोहराना नहीं चाहता। हाँ। वो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तरह से बढ़ाना चाहता है कि यदि मिलिट्री प्रेशर बढ़े बॉर्डर पे तो हम लोग का रिएक्शन टाइम बहुत कम हो और हम लोग जल्द से जल्द रसद
और मिलिट्री इक्विपमेंट सीधे तौर पर ये एक कूटनीतिक चाल के तौर पर इसको देखा जा सकता है। सिरोठिया जी आपके पास आ रहा हूं। राजेश जी, क्या ये ऐसा लगता नहीं कि इन लकीरों के जरिए, इन हदों के जरिए एक डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है और इसका हर्जाना कहीं ना कहीं सीमावर्ती इलाके की एक बड़ी आबादी भी भुगत रही जो कहीं ना कहीं पीछे छूट रही है? नहीं, देखिए हम इसको एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हैं। करीम साहब ने जो बात कही है और सब अपनी जगह एक जगह है, लेकिन इसको हमें इस रूप में भी देखना चाहिए कि भारत में ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आप देखेंगे कि भारत में, भारत के जिन हिस्सों में रेलवे लाइन गई है पहले से या रोड की नेटवर्किंग हुई है, तो वहाँ पर भारत पे इंटीग्रिटी पूरी तरह से रही है। जहाँ पर रोड्स की कमी रही है, जहाँ रेलवे कनेक्शंस की कमी रही है, वहाँ पर जो डिसइंटीग्रेशन वाली फोर्सेज हैं वो आगे रही हैं। जहाँ तक अरुणाचल की बात है, वो चीन वहाँ दावा करता बिल्कुल सही है, और ये बात जो मोदी जी की और जो चीनी राष्ट्रपति के बीच में हुई थी और ये बात चल ही रहा था कि इसमें सीमा विवाद को मिलके सुलझाएंगे और सब कुछ करेंगे, लेकिन इसके पहले जो है उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा कर ही रखा है ना। तो भारत अगर कर रहा है तो उसमें गलत क्या है? लाजमी सवाल भी इसी को लेकर है राजेश जी कि आखिर इन बातों से किस तरह के सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है? एक तरफ उसको अपना सिंहासन डोलता हुआ सा दिखाई दे रहा है, पसीने छूट रहे हैं जिनपिंग के, आखिर इस सड़क में ऐसा है क्या और इस सड़क को लेकर ऐसा कोई मोटिव क्या दोनों देशों का क्लैश हो रहा है जिसको लेकर यह विवाद है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि कूटनीति और विकास साथ साथ चल तो सकते हैं, लेकिन इस पर भी एतराज चीन को क्यों है? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, चर्चा आगे भी चलती रहेगी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिंदुस्तान से क्यों डर रहा है ड्रैगन, और जिस सड़क की बात की जा रही है, जिस योजना की बात की जा रही है कि अरुणाचल के पास मैकमोहन लाइन पर जो ये 1800 किलोमीटर की सड़क खींचने की जो तैयारी की है हिंदुस्तान ने, आखिर वो डर की वजह चीन के लिए क्यों बन रहा है? इस सड़क से ऐसा क्या होगा, इस सड़क से क्या नुकसान होगा, किस तरह का डर है चीन के मन में, इस रिपोर्ट के जरिए पहले आपको समझाते हैं। अरुणाचल पर चीन की चिक चिक बंद हो जाएगी। अरुणाचल के आखिरी छोर पर बनेगी सड़क। चीन ने जिस अरुणाचल प्रदेश पर चिक चिक करना हाल के कुछ सालों से शुरू कर दिया है, उस चिक चिक को हमेशा के लिए बंद करने का भारत ने अब रास्ता ढूंढ लिया है, और वो रास्ता है 1800 किलोमीटर लंबी सड़क। जी हाँ, असम के तेजपुर से अरुणाचल के तवांग तक 1800 किलोमीटर लंबी ये सड़क वहां तक पहुंच जाएगी, जहां से चीन की सीमा शुरू हो जाती है। अरुणाचल के इस छोर से उस छोर तक होगी सड़क।
सेना के लिए आसान होगा चप्पे चप्पे पर पहुंचना। भारत ने दरअसल इस सड़क को बनाने का फैसला ही इसलिए किया है कि अरुणाचल के कोने कोने तक पहुंचा जा सके। इस सड़क से अरुणाचल प्रदेश में समृद्धि आने का रास्ता तो खुलेगा ही, अरुणाचल के हर इलाके तक पहुंचना भी आसान हो जाएगा। भारत में बन रही सड़क से चीन क्यों परेशान है? चीन ने अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन लाइन के निकट सड़क बनाने के भारत की पहल पर चिंता जाहिर की है। हमें उम्मीद है कि भारत सीमावर्ती क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करेगा। चीन को क्यों लगता है सड़क से शांति बिगड़ जाएगी? चीन ने जब तिब्बत में भारत की सीमा तक रेल लाइन बिछा दी तब उसे नहीं लगा कि ये परिस्थितियां तनाव बढ़ा सकती हैं। तो अब जब भारत अपने अरुणाचल में सड़क बनाने जा रहा है तो चीन की चिंता क्यों बढ़ गई है? हमें उम्मीद है कि भारत विवादित क्षेत्रों में किसी कार्रवाई करने से बचेगा। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद औपनिवेशिक देन है, इसके हल के लिए दोनों देशों को मिलकर काम करना होगा। क्यों एक सड़क ने चीन की नींद उड़ा दी है? अगर चीन के इरादे चालाकी से भरे नहीं होते तो चीन को भारत में बन रही सड़क से चिंतित नहीं होना चाहिए था, लेकिन चीन का तो इरादा ही अपना दबदबा कायम करने का है, इसलिए वो 1800 किलोमीटर लंबी इस सड़क से डर सा गया है। न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो इस रिपोर्ट के जरिए उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि इस सड़क के मायने क्या हैं, इस सड़क से क्या कुछ ऐसा होगा जिसका डर ड्रैगन को सता रहा है, ड्रैगन के माथे पर चिंता की लकीरें खींचती जा रही हैं। विकास होगा, निगरानी बढ़ेगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बहुत सारी संभावनाएं इससे बढ़ेंगी। पैनल हमारे साथ लगातार जुड़ा हुआ है इस पर चर्चा करने के लिए। अफसर करीम साहब, सर आपके पास आऊँगा, इस सड़क के मायने क्या हैं हिंदुस्तान के लिए और चीन के लिए? पहली बात यह है कि ये भारत ये साफ दिखा रहा है कि ये इलाका हमारा है और आपका क्लेम यहां कोई माने नहीं रखता। और चाइना के लिए यह है कि जो उनको ये उम्मीद थी कि इलाका आबाद नहीं होगा, इस इलाके में रोड कम्युनिकेशन नहीं बनेगा, तो चाइना को लड़ाई में भी और पीस टाइम में भी प्रोपेगेंडा में फायदा रहेगा। वो दोनों बातें सड़क के बनने से और उसके इरादे से चाइना के ऊपर उस इलाके के क्लेम को धक्का पहुंचाती है जो अरुणाचल प्रदेश के लिए है। लेकिन ये हमें याद रखना चाहिए कि एक पहला स्टेप है ये। चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे ऑपोजिट है पूरी सरहद पे वो बहुत बड़ा है और हमको ये एक पहला स्टेप मानना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में अभी बहुत डेवलप। चलिए एसपी सिन्हा साहब, आप ही के पास आता हूं। साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि इस सड़क के जरिए बहुत कुछ बदलेगा, चाहे अरुणाचल गले की हड्डी भले ही बना रहे, और तिब्बत की बात अगर कर ले, तिब्बत और लद्दाख में जो कुछ भी चीन ने किया, अपना विस्तार किया, वो अपनी जगह है, वहां पर दबंगई नहीं दिखाई गई हिंदुस्तान की तरफ से, लेकिन अब चीन ये दबंगई दिखा रहा है, इससे बहुत कुछ बेहतर होगा, मॉनिटरिंग बढ़ेगी, विस्तार होगा भौगोलिक स्तर पर, व्यापार के रास्ते खुलेंगे, बहुत सारी संभावनाएं बढ़ेंगी, तो किस तरह से इसे लिया जाए? क्या दबंगई का जवाब अब दबंगई से देने का वक्त है, क्योंकि बातचीत तो बहुत बार हो चुकी है? देखिए, ये जो रोड बन रहा है इसको आप तीन दृष्टिकोण से देख सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, मिलिट्री लेवल पे और इकोनॉमिक लेवल पे। जब अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात करते हैं तो ये सच है कि भारत जो विदेश की महाशक्तियां हैं उनके साथ मैत्री उनकी बहुत दृढ़ होती जा रही है। आप अमेरिका की बात कीजिए, जापान की बात कीजिए, ऑस्ट्रेलिया की बात कीजिए, वियतनाम की बात कीजिए, मैत्री बढ़ रही, ये घबराहट का कारण है चीन का। रीजनल लेवल की जब हम बात करते हैं तो किसी भी कारण की वजह से अरुणाचल प्रदेश का जो विकास होना था इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में नहीं हो पाया, तो 62 वार की गलतियां हम नहीं रिपीट करना चाहते। हम इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा करना चाहते हैं कि जब कभी जंग छिड़े और कभी मिलिट्री को मोबिलाइज करने की जरूरत पड़े तो हमारे ट्रुप्स का मूवमेंट, इक्विपमेंट का मूवमेंट, रशद का मूवमेंट में टाइम कम से कम लगे, वॉर कैजुअल्टी वैक्यूएशन में कम से कम टाइम लगे।
जब हम रीजनल लेवल पे बात करते हैं तो जब विकास होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी पिकअप करेगी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा, तो पूरा एरिया जो है वर्ल्ड के अटेंशन में रहेगा, भारत के अटेंशन में रहेगा, और घुसपैठी करके, इंट्रूजन करके प्रॉब्लम क्रिएट करना चाइना के लिए मुश्किल होगा। मिलिट्री लेवल की जो बात करते हैं तो मिलिट्री लेवल पे जैसे मैंने कहा कि जो हमारी रिएक्शन कैपेबिलिटी है वो बहुत तेज होगी और ये चिंता का विषय है। चाइना देख रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत बहुत मजबूत बनता जा रहा है और यदि वो भारत को बॉर्डर पर दबाना चाहता है। सिरोठिया जी, आपके पास आ रहा हूँ। एक तरफ हिंदुस्तान व्यापार की संभावनाओं के नए नए आयाम रचने की कोशिश कर रहा है, दरवाजे खोले जा रहे हैं, दूसरी तरफ विकासवादी जो नीतियां हैं उनमें हाथ भी मिलाया जा रहा है चीन की तरफ से भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और फिर ये विकास की योजनाओं में दूसरी तरफ सेंध लगाई जा रही है, इसके क्या मायने? नहीं, इसमें सेंधमारी की कोई बात ही नहीं है, सेंध लगाने वाली ये हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। एक सिन्हा साहब ने बहुत अच्छे तरह से डिस्क्राइब किया है, उसमें एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा, एड ऑन करना चाहूँगा, वो ये कि ये सड़क के बनने से जो सेवन सिस्टर्स हैं वहाँ पर आपका कम्युनिकेशन, रोड कम्युनिकेशन बढ़ने से टूरिज्म भी बढ़ेगा, और टूरिज्म बढ़ना मतलब एक इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए उस सेवन सिस्टर्स के लिए एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें होंगी। और जो आर्मी वाला जो पोर्शन है वो तो निश्चित रूप से वहाँ पर स्ट्रांग होगा, हम क्विक रिस्पांस कर सकेंगे, ये सब सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि अकेला ये रोड तक ही सीमित रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि ये सेवन सिस्टर्स हमारे साथ में इंटैक्ट बने रहें और आगे पीछे कोई उसमें घुसपैठ या वो नहीं करे, तो वहाँ पर न केवल रोड नेटवर्क बल्कि वहाँ पर रेल नेटवर्क भी आपको उतना तेज़ी से और पुख्ता तरीके से खड़ा करना पड़ेगा। उसके साथ में हमें अपना वहाँ पर जो हवाई अड्डे, वार्ताओं का तो एक लंबा सिलसिला चलता रहा पिछले दशकों में राजेश जी, एक लंबा चौड़ा सिलसिला चलता रहा, लेकिन इन चीज़ों की, इन लकीरों को लेकर स्थिति साफ हो नहीं पाई और उसका हर्जाना आज भी भुगतना पड़ रहा है कि एक मजबूत तरीके से अपनी बात को शायद सामने रखा नहीं गया, और अब भी यही बात की जा रही है कि बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश की जाएगी, हालांकि पक्षधर दोनों देश यही हैं कि बैठ के, मिल बैठ के सारी चीज़ें सुलझाई जा सकें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज मसला ये सवाल है कि देश ये जानना चाहता है कि हिंदुस्तान से आखिर ड्रैगन क्यों डर गया है। हिंदुस्तान ने चीन की चेतावनी को हालांकि सिरे से खारिज भी कर दिया है, भारत ने साफ कर दिया है कि सड़क तो बंद कर रहेगी क्योंकि अरुणाचल भारत का है और भारत अरुणाचल में कुछ भी बना सकता है। भारत तो सड़क बना कर रहेगा। भारत ने चीन की झूठी चिंता का साफ गोई से जवाब दे दिया है। भारत ने चीन को साफ साफ बता दिया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है और वहां भारत किसी भी तरह का निर्माण कर सकता है। हम अपने हिंदुस्तान के अंदर क्या करें, कितना सुरक्षा को डेवलप करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को कहां तक ले जाएं, ये हमारा आंतरिक विषय है। हम इसमें किसी से डिक्टेशन नहीं लेते हैं, चाइना इसमें हिंदुस्तान को डिक्टेट नहीं कर सकता है, और ये जो केंद्र की सरकार है उसने अपनी कटिबद्धता को दर्शाया है कि नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर में इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता अत्यंत अनिवार्य है और इस कारण से हम बनाएंगे जो सड़कें आज तक नहीं बन पाई थी। अब किसी से नहीं डरेगा भारत। चीन की धमकी को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह कहकर नकार दिया कि भारत अब किसी से डरने वाला नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में ही नहीं अपनी सीमा में भारत कहीं भी कुछ भी बना सकता है। भारत को दुनिया का कोई भी देश वार्निंग इस समय नहीं दे सकता, भारत दुनिया का एक ताकतवर देश बन चुका है। नहीं चलेगी ड्रैगन की गीदड़ भभकी। भारत में जब से नई सरकार आई है एजेंडा बिल्कुल साफ है, देश की एक एक सीमा सुरक्षित रहेगी, देश की सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी बॉर्डर पे, उस बात को हम समझते हैं, ये हम अपनी सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं, किसी के खिलाफ ये काम नहीं हो रहा है। अफसर करीम साहब, आपके पास आएंगे, एक छोटा सा रिएक्शन ये लेना चाहेंगे कि जिस तरह से इस बार एटीट्यूड हिंदुस्तान का दिखा है, गृहमंत्री ने कहा कि डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी, मिल बैठ के बातचीत कर लेंगे, ये किस तरह का एटीट्यूड आप समझ रहे हैं और इसमें इस बयान को आप किस रूप में देख रहे हैं?
देखिए, जो भारत का अभी एटीट्यूड सामने आया है वो ये है कि हम अपनी कार्रवाई करते रहेंगे, तो वो उसमें आपका कोई एतराज हम नहीं मानेंगे, लेकिन जहां तक इकोनॉमिक कोऑपरेशन और इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन का मामला है उसमें हम हाथ आगे बढ़ाते हैं। अगर आप पीसफुल तरीके से बॉर्डर पर रहेंगे तो हम ये बात आगे बढ़ेगी, तो साथ चल सकते हैं। लेकिन राजेश जी, आपके पास टिप्पणी, छोटा सा रिएक्शन। किसे, मुझे? आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ एसपी जी, सिन्हा जी आप ही बताइए। अच्छा, ऐसा है कि पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि किस आधार पे चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना जमीन दिखा रहा है, कौन दस्तावेज, कौन सा डॉक्यूमेंट, कौन सा ब्रिटेन का दिया हुआ, इंग्लैंड का दिया हुआ मैप, किस आधार पे? ये तो हमारा अटूट हिस्सा है और उसमें कोई शक नहीं है। और यदि विवादास्पद जमीन की बात करता है चाइना, तो जो जेएनके का 38,000 स्क्वायर किलोमीटर उन्होंने हथियार रखा है उसकी बात की जाए, जो पाकिस्तान पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का 5,180 स्क्वायर किलोमीटर, मनमानी जैसी बातें और मनमानी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं हिंदुस्तान। राजेश जी, एक छोटी सी टिप्पणी आपसे भी। जी देखिए, ये भारत सरकार के लिए अभी करो या मरो वाला मौका है। ये अगर ये कर पाएंगे तो अभी कर पाएंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अभी चीन से है तो सारे विश्व के मुल्कों को भारत में जो एक बाजार नजर आ रहा है उसको, उसकी दिलचस्पी उसमें है। तो कोई व्यक्ति चीन सहित कोई भी देश भारत में भारत से युद्ध करने के बजाय उससे लड़ाई करने के, चलिए मतलब अरुणाचल में उम्मीदों की एक बड़ी सड़क खींचेगी जिस पर फर्राटा मारेगा विकास, ये उम्मीद है हिंदुस्तान को। और इस बार आंखें तरेरना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये बात भी गृहमंत्री ने कह दी है।